बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां राजधानी रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस ने दीपक बैज के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया, जहां पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बैज को पद सौंपा। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बता दें कि बैज के एयरपोर्ट पहुंचते ही उनके स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम लग गया। स्वागत इतने भव्य तरीके से किया गया कि बैज के काफिले को एयरपोर्ट से राजीव भवन पहुंचने में करीब 3 घंटे लग गए। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद बैज ने सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सत्ता और संगठन के तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही सीएम बघेल और मोहन मरकाम ने भी सभा को संबोधित किया और दीपक बैज को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी। वहीं बैज की पारी को लेकर सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ढाई महीने आपके पास बचे, उसके बाद अक्टूबर में जांच संहिता लग जाएगा, नवंबर में पोलिंग, दिसंबर में रिजल्ट, तो पहले जैसा होता था। लेकिन पता नहीं ये लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, अभी कह नहीं सकते। लेकिन अपने जो तैयारी कि ढाई महीने में एक तरफ संगठन को मजबूत करना है, दूसरे तरफ शासन की योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाना है, तीसरा उनके अफवाहों का खंडन करना। क्योंकि आप यदि किसान के पास नहीं पहुंचे, मजदूर के पास नहीं पहुंचे, गरीब के पास नहीं पहुंचे, शहर में व्यापारियों के पास नहीं पहुंचे, तो वो सब तो आपके बता देंगे। सत्ता और संगठन दोनों अलग अलग चीजें हैं बड़े साथियों। संगठन का काम है सरकार बनाना और साहब का काम है सरकार को चलाना। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक गाड़ी के दो चक्का हैं। अगर एक चक्का भी पंचर हो गया, हमारा गाड़ी नहीं चल पाएगा। इसलिए इस गाड़ी को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सत्ता और संगठन का तालमेल होना पहला चीज बहुत जरूरी है। हमारा लक्ष्य है 2023, मिशन 2023। हमारा लक्ष्य 75+ सीट जीतकर सरकार बनाना। हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ को सुंदर बनाना। हमारा लक्ष्य बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जो हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया, उस काम को जन जन तक पहुंचाना। मोहन मरकाम जी, उनको बेहद ही अपमानजनक ढंग से अध्यक्ष पद से हटाया गया और बाद में उनको संतुष्ट करने के लिए मंत्री तो बनाया गया, विभाग स्कूल शिक्षा विभाग उनको नहीं दिया गया। उसी प्रकार प्रेम साय टेकाम जी, उनको भी अपमानजनक ढंग से मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया गया और उन्हें बाद में मंत्री पद का दर्जा देने की बात कही गई, परंतु वो अपनी बगावती तेवर न दिखा सके या फिर अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से व्यक्त न कर सके, उसके लिए उनके स्कूल शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर हुए थे, उन ट्रांसफर के मामलों में लगे हाथों जांच कमेटी का भी आदेश जारी कर दिया गया। कांग्रेस के इन आदिवासी विरोधी गतिविधियों को देख रहा है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कांग्रेस को आदिवासी समाज इसका सबक सिखाएगा।